ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। Hey, what's up guys? Welcome back my vlog. वहाँ लगा vlog मैंने शूट किया था, लेकिन भाई टाइम नहीं मिला, आउटडोर शूट नहीं किया, इसलिए मैंने ब्लॉग ही अपलोड नहीं किया। ये सब छोड़ो, बहुत दिन के बाद एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं घर पर, और साथ में बस स्टैंड है, और अभी हम जा रहे हैं उधर पर। पूजा तो अभी शुरू नहीं हुआ, और करीब करीब दो तीन दिन का टाइम है अभी तक। तो फिलहाल अभी जाके घूम के आ रहे हैं, तो सोचा कि अभी रात को 8:30 हो गया, तो जाके घूम के आ रहे हैं ना, तो दिखा के आना है कि आप लोगों को। फिलहाल तो चलते हैं और बाइक के लिए, क्योंकि हेलमेट लग रहा है, आप इग्नोर करना, क्योंकि हेलमेट है हमारे पास लेकिन अभी तक लगाया नहीं। कॉमेंट कर देना, कॉमेंट मत करना कोई चीज़ की हेलमेट नहीं लगाया। फिलहाल चलो चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम उधर बन पे आ चुके हैं, और आगे ही है मंदिर, तो दूर अकेला हुई रहा। ये थोड़ा सीन्स देख लो आप। इस वीडियो में ज़्यादा मतलब एडिट वगैरह बस, ज़्यादा कुछ खास शूट नहीं कर रहा, एडिट नहीं कर रहा, क्योंकि समझ रहे हो ना भाई, अभी रात का टाइम है और विजिबिलिटी इतना अच्छा नहीं है ना, अच्छा नहीं आएगा ना बात, इसीलिए फिलहाल जाके देखते हैं। इधर 2 साल के बाद इतना अच्छा पूजा हो रहा है इधर। हाँ ये बात सही। और सिलचर में पहली बार उदयपुर में केदारनाथ बन रहा है। हाँ तो केदारनाथ पूजा मतलब शुरू होने के बाद और एक दिन आऊँगा। ओ गाइस ये देखो गाइस, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, उन जाते नहीं तो बाबू। ओ भाई केदारनाथ ठीक हुई, केदारनाथ नहीं तो केदारनाथ, ओ वही देखो केदारनाथ, वो वहाँ पर देखो केदारनाथ, मैं उसको देख के समझ रहा था ये केदारनाथ है, लेकिन मेरा मंदिर वही, तो मैं सोच रहा था कि कुछ मैच नहीं हो रहा है। और गाइस मतलब आ तो गया लेकिन अंदर नहीं जा सकते, पता नहीं क्यों। कुछ दिन पहले आता तो शायद जा सकता, लेकिन अभी तो जा नहीं सकते, लेकिन भाई जो भी है छकास है। और जो है ना गाइस वो केदारनाथ है, और ये बर्फ़ का पहाड़ है, और ये क्या है एक्चुअली मुझे भी पता नहीं, कुछ राजमहल टाइप सा है, लेकिन पता नहीं है मुझे अंदर का सीन। मैंने कुछ शायद पता नहीं, मैंने एक वीडियो पे देखा था इधर का, ये पता नहीं, लेकिन वो बर्फ गिर रहा था ऐसा कुछ थीम था शायद। मैंने भी सुना ऐसा होने से मतलब मस्त होगा ना, बहुत मस्त होगा सच्ची में, बहुत मस्त ऐसा ना अंदर कैसा मतलब है, ऐसा बर्फ गिर रहा है एकदम मिलिक मिलिक वाला बर्फ। बालक का हेलमेट किनते पड़ो सुना हम गरीब मानुष भाई, हमारे दिखे खानो आबार इटा हमारे दिखे गरीब। अभी तो फिलहाल इधर लाइटिंग वगैरह शुरू नहीं हुआ है, लाइटिंग शुरू होने के बाद और भी अच्छा लगेगा। अभी तो खाली खाली सा है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर पे, और ज़्यादा मैंने शूट किया नहीं क्योंकि अंदर जाना अलाउ था नहीं, और इधर कुछ खास कर भी नहीं सकते, तो इसीलिए पूजा शुरू होने के बाद एक दिन आएंगे ज़रूर, और वो अच्छे से अंदर का मूर्ति वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। आज तो पॉसिबल हुआ नहीं दिखाना, क्या कर सकते हैं, चलो जो भी है। तो गाइस ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं हो पाया, छोटा मोटा ब्लॉग है, और ज़्यादा मैंने मतलब ये शूट नहीं किया अंधेरे का टाइमिंग, आप खुद ही देख लो क्या शूट करो अंधेरे में। जस्ट जा रहा था तो सोचा कि एक शूट कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा है, और मैं अभी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए। तो जो भी है जैसा है आपका है। तो मिलते हैं पूजा की ब्लॉग पर, आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, तो